बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पेरेंट्स एंड कुलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर कुलीग, इट्स मी सईद अहमद दुमर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज़ रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज। एंड आई एक्चुअली रिसीव्ड अ नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस ऑन माई cell number and on different social media platforms, that I must actually share my own modus operandi, that I actually use to prepare my JK. So keeping the request in view and the interest of the aspirants, today I am going to upload this very important lecture regarding general knowledge. As you know, कि जितने भी हमारे 16 एंड अबव ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हो या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, उसमें जनरल नॉलेज जो है, इट इज़ वन ऑफ दी कंपलसरी सब्जेक्ट्स। सो एस्पायरेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जीके पीसीएस में काम आए, आपको तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम्स के लिए, असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के लिए, और दूसरे जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, चीफ ऑफिसर के एग्ज़ाम होते हैं, रिसर्च ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जनरल नॉलेज जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। एक और चीज़, अगर आप पीसीएस के लास्ट 4 या 5 एग्ज़ाम्स उठा लो, तो सबसे ज़्यादा जो तादाद में एस्पायरेंट्स फेल होते हैं वो इसी जीके में होते हैं। तो इस हवाले से जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टफ, एंड समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द एस्पायरेंट्स। उसके सारे पेपर अच्छे नंबर से पास होते हैं, मगर जीके में वो प्लंक कर जाते हैं। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हैं और एस्पायरेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर दैट हाउ एक्चुअली आई प्रिपेयर जीके इन 100 डेज। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मौसर तरीका है, मगर ये है कि आपने ये 100 दिन आने वाले जो है इसको बिल्कुल, दो आई मे नॉट बी एबल टू डिलीवर एक्चुअली लेक्चर ऑन ऑल 100 डेज, एक्चुअली वंस आई वॉज इंटरेस्टेड to have a book on this pattern, but unfortunately due to my official routines I didn't complete that book in my life. So us cheez ko maine nazar rakhte hue today main aapko 100 days ka ek pattern bataunga ki aapne gk ko 100 days mein kis tarah cover karna hai. To har din aapne jo hai kam as kam 1 se 2 ghante jo hai aapne gk ko is pattern mein agar aap padha aur aap 100 days इसको पढ़ पाते हो, तो लेट मी अश्योर यू, इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक जो है यू विल हैव अ वेरी गुड कमांड एंड अ वेरी वेरी गुड, एक्चुअली अ वेरी साउंड एंड अ वेरी परफेक्ट नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हैं डियर एस्पायरेंट्स, मैं बता दूं कि मैं डेली 10 पार्ट्स जीके के, और इफ़ यू वांट टू हैव द मटेरियल रिगार्डिंग, आखिर मैं आपको मटेरियल भी बताऊंगा कि आप कहाँ से ये क्वेश्चन जो है कलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा कुछ पैटर्न वो इस तरह था, मैं फर्स्ट डे मैं आपको सिर्फ एक दिन का आज बताऊंगा, फिर मैं कोशिश करूँ कि मैक्सिमम आपको 4-5 दिन इस पैटर्न पे, इस तरह के पैटर्न पे लेक्चर दूँ, फिर आप उसी तरह नेक्स्ट जो 90-95 डेज है उसी पैटर्न पे आप जाओ, अपना एक पूरा एक रजिस्टर बनाओ, ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, पर्सनल नोट्स बनाओ, उसके लिए आप जो है रिवीजन का भी एक दिन रखो हफ्ते में। अगर आप 4-5 दिन जो है पढ़ते हो, यानी तकरीबन अगर 7 दिन है हफ्ते के, 5 दिन अगर आप इसको तैयार करते हो और इसको अपने उस पे लेवल पे सीखते हो, तो आप कम अज़ कम 6ठा और 7वां दिन फिर रिवीजन के लिए रख दो। इस तरह अगर एग्ज़ाम को देखो भी, तकरीबन कोई 4 से 5 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, तो 100 डेज आर मोर देन आई वुड से इनफ फॉर दी कवरेज, फॉर कवरिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अच्छा, बात है सबसे पहले कि मैं किस तरह तैयार करता था। ये पहला मेरा जो वो दिन होता था, पहला जो पेज होता था मेरा रजिस्टर का, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसका तस्वीर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये मैंने एक्चुअली वहाँ से कलेक्ट भी वहाँ से किए हैं, अपने मेरे जो लैपटॉप में मौजूद है। 5 टर्म्स में लेता था, फॉर एग्जांपल इस तरह के 5 टर्म्स, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि अलिट्रेशन क्या है, सेनेगॉग क्या है, कॉन्ट्राबैंड क्या है, पिंग पोंग क्या है, और एफोरिज्म क्या है। इस तरह 5 टर्म्स में उठाता था, कहाँ से उठाता था, मुख्तलिफ सोर्स मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी आपको बताए हैं, वहाँ से, ख़ास करके जो एवर लेटेस्ट का जनरल नॉलेज का एक किताब है, बहुत सारा जो है मटेरियल आपको फेसबुक पे मैंने बताया है और आपको मार्केट में अवेलेबल है।
तो इस तरह पांच टर्म्स दिन में निकालो और उन टर्म को सिंपल इस तरह आप लिखो, जैसे मैंने लिखा है कि अल्ट्रेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल लेटर इन एवरी सक्सेसिंग वर्ड, इसको अल्ट्रेशन कहते हैं। फिर सेनेगोग क्या है, इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर जुडाइज्म, जो एक रिलीजन है जुडाइज्म, वो जहाँ पे इबादत करते हैं उस मकाम को सेनेगोग कहते हैं। सर कॉन्ट्राबेंड क्या है, इस तरह के पांच टर्म्स जो है, टर्म्स आपको पता है कि PCS CSS में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप डेली जो है कम अज़ कम पाँच टर्म जो है कलेक्ट करो और पाँच टर्म जो है उसको अच्छी तरह से याद करो और उसको नोट करो। फिर उसके बाद इसी दिन में दूसरा जो एक पोर्शन है वो है बुक्स एंड अथर्स। आपको पता है आप लास्ट PCS के अगर 8 से 10 ईयर के एग्जाम्स के बुक्स सॉरी पेपर्स उठाते हो तो ये बुक्स एंड अथर्स अक्सर पेपर्स में आए हैं। तो इसके लिए जो दो बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा, एक है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की एक बुक है, उसमें बहुत सारे बुक्स एंड अथर्स दिए हुए हैं। फिर जो बट्टी पब्लिशर्स की एवर लेटेस्ट है जनरल नॉलेज की, उसमें बुक्स एंड अथर्स मौजूद है। तो उससे आप डेली पाँच पाँच पाँच, इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने ये पाँच बुक्स निकाले हैं, ऐसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है, डेंसिटी थॉमस हार्डी ने लिखी है, दरबार अकबरी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, ब्रिज ऑफ टाइम जो है सर जूनी नायडो ने लिखी है, और डायलॉग जो है इसको प्लेटो ने लिखी है। फिर इसी तरह इस डे में मैं, आपको पता है कि ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो इस तरह इसका भी एक लोग आप पैटर्न बना लो। अगर दिन में आप पाँच पाँच करते हो और 100 दिन के लिए करते हो तो आपके पास अभी आप खुद अंदाज़ा करो, 5 को आप 100 से डिवाइड करो, 500 आपके पास लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट, 500 टर्म्स, 500 बुक्स, तो मतलब आप काफ़ी हद तक इसी तरह आप कैपिटल उसमें डाल सकते हो, करेंसीज डाल सकते हो, जितने भी हैं, मतलब आप 10 से जो है डेली 10 से 15 एडिंग्स के आप रोज़ाना पाँच पाँच अगर चीज़ें याद रखो, ये मैक्सिमम आपका 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे मैक्सिमम आपके दिन में कवर करेंगे। ये आप रोज़ाना करो, डेली बेसिस पे करो, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जैसे कि लॉन्गेस्ट रिवर में मैंने लिखा है, देखो अमेजोन ऐप पता है, फिर लार्जेस्ट लेक साल्ट लेक जो है वो कैस्पियन है, और फ्रेश वाटर का जो है वो है सुपीरियर लेक सुपीरियर, फिर स्मॉलेस्ट बर्ड जैसे पता है हमिंग बर्ड है, स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है वो वल्पिया का है, और जो इसी तरह जो है आप डेली जो है पाँच पाँच अगर लिखते रहो तो इंशाल्लाह एक मतलब महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चल जाएगा। फिर इसी तरह फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये मतलब अक्सर पूछा जाता है कि जैसे सवाल ऊपर पहले मैंने दिया हुआ कि द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट कौन था, वो दो थे शेरपा तेंजिंग और एडमंड एलरी। फिर फर्स्ट पर्सन जो नॉर्थ पोल को पहुंचा था वो रॉबर्ट पेरी था, जो साउथ पोल से पहुंचा था वो अमंडसन था। फिर जो पहला इंसान था जिसने स्पेस पे जो है वॉक किया था, जो स्पेस पे चला, वो एक रशियन था एलेक्जी आरखोच लोवनोफ। फिर इसी तरह जो था फर्स्ट पर्सन जो मून पे चला हुआ, आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग था। इसी तरह फर्स्ट इन पाकिस्तान भी मैंने लिखा है, इस तरह आप भी निकाल सकते हो कि फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन था, फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर कौन था। तो ये आपके सामने इस तरह का एक आप बना सकते हो, दिन में अगर आप पाँच पाँच निकालोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हद तक जो है आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। फिर इसी तरह मैंने पर्सनैलिटीज़, आपको पता है कि अक्सर हमारे PCS CSS और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो इसी तरह आप पर्सनैलिटीज़ भी डेली पाँच पाँच, जैसे मैंने निकाला है जेमी वेल्स, ये डेवलपर है विकीपीडिया का, फिर पॉल क्रुगमैन जो है ये नोबेल लिवरेट है इकोनॉमिक में, फिर टिम बर्नर ली, आप सबको पता है कि WW वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इसका डेवलपर है, इसको ईजाद करने वाला है। फिर मैंने एक नाम इसमें दिया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, पीले, ये बहुत ही रिनाउंड ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे। फिर अमीर खुसरो, जैसे आपको पता है कि इसको पेरोट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में होते थे, उर्दू के पहले शायर जो है कंसिडर किए जाते हैं। फिर सर डिस्कवरीज आप दे सकते हो, दिन में अगर पांच पांच डिस्कवरीज आप याद करोगे, एक्सरेस किसने डिस्कवर किए, वायरलेस किसने डिस्कवर किया, एटम बम किसने डिस्कवर किया, एयर कंडीशनर किसने डिस्कवर किया, इसी तरह बैरोमीटर किसने डिस्कवर किया, उनके सामने उनके जो इन्वेंटर थे या जो ईजाद करने वाले हैं या जो डिस्कवरर थे उसके नाम उसके सामने मैंने लिखे हैं। फिर इसी तरह आप जो लास्ट जो पोर्शन है, मैं मतलब ये तकरीबन मेरा 9वां और 10वां इस दिन का मतलब मैं आप बता रहा हूँ शॉर्ट पीरियड, उसमें से आप पता है कि एवरीडे साइंस में मुख्तलिफ सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि पहले ये कहा जाता है कि वाई जो है सनसेट के दौरान जो है
सूरज जो है वो आसमान आपको वो रेड लगता है, क्यों लगता है वो रीज़न उसका मैंने जवाब दिया है। फिर कहते हैं कि ओजोन लेयर के क्या नुकसान आते हैं, जब ओजोन लेयर जो है वो जब ब्रेक होता है या उसको जब वो जब डैमेज होता है, उसके हवाले से मैंने लिखा है कि ओजोन लेयर जो है अल्ट्रा रेज वायलेट रेज जो है वो ऑब्जर्व करता है। जब ओजोन नहीं होगा तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो कैंसर और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करेंगे। इसी तरह मैंने लिखा है कि मून के अंदर जो है सूर्य चांद के अंदर एटमोसफियर नहीं है, इसीलिए ये खला से आसमान से काला नजर आता है। फिर लेजर का जो है, लेजर की क्या है, किस चीज के लिए स्टैंड करता है वो मैंने लिखा है। फिर जो है नेक्स्ट है कि एनोमीटर जो है ये क्या मेयर करता है, एनोमीटर जो है वो आपके विंड की वेलोसिटी को मेयर करता है। फिर इसी तरह पांच मजीद मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए है कि जमीन जो है वो एक्चुअली लिटरली जो है वो बिल्कुल गोल नहीं है, ये साइडों पे बल्ज है, क्योंकि ये सेंटर पे जो है जमीन वो उनका जो इक्वेटर पे थोड़ा सा इनका रकबा, इनका जो लेंथ है वो ज्यादा है और इक्वेटर पे इसका लेंथ कम है, तो इसलिए जमीन जो है वो बिल्कुल स्पेरिकल बिल्कुल गोल शेप में नहीं है। फिर ये सवाल है कि कार जो है रोड क्यों जो है कर्व बनाए जाते हैं मोड़ पे, तो वो इसलिए कि वो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसके असर को कम करने के लिए रोड हमेशा जो है वो कर्व शेप में बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जो रेबीज वैक्सीनेशन है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, रेबीज वैक्सीनेशन को किसने डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स को किसने डिस्कवर किया था। फिर विंस्टन चर्चिल जो पाल है ये कहाँ पे है। फिर इसके अलावा मैंने स्मग प्रेट का लिखा है कि ये एक साइकेट्रिस्ट है, ये कौन है और किस मुल्क से बिलोंग करता था, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था। तो इस तरह अगर आप वन बाय वन जाओगे, लेट मी एक्चुअली रिपीट इट फॉर यू पीपल वंस अगेन, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने दिन में क्या करना है। दिन में आपने मतलब 10 हेडलाइंस उठा के टर्म्स, 5 टर्म्स सीखने हैं, 5 बुक्स 79 सीखने हैं, 5 लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट सीखने हैं। इसी तरह 5 आपने दिन में पर्सन्स निकालने हैं कि फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कौन थे, फिर फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान। इसी तरह आपको पता है कि मतलब एरियाज है वो एरियाज, ये एरिया जो मैंने सेलेक्ट किए एक्चुअली स्पेशली मैंने किए हैं जो लास्ट हमारे PCS के जो 10-12 साल के पेपर्स है उससे किए हैं, कि इस पैटर्न पे अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि आप इंशाल्लाह GK में सेफ रहोगे। फिर पर्सनैलिटीज़ को मैंने आपके लिए इसी तरह पर्सनैलिटीज़ आपके लिए वो मुख्तलिफ मैं बुक्स आपको बताऊंगा, खास करके आपका जो ये एवर लेटेस्ट है इसमें कुछ पर्सनैलिटीज़ है। फिर 100 टॉप पर्सनैलिटीज़ आप जो है इंटरनेट से निकाल सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट सोर्स बताया कि 10,000 क्वेश्चन है आपके, 500 क्वेश्चन है, इसी तरह आपका रमन जो है एक वेबसाइट है वो है, इसी तरह आप जाओ विकिपीडिया पे आपको बहुत सारा जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है, गूगल पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चौधरी नजीब, सॉरी नजीब एक अथर है, उसकी बड़ी अच्छी किताब है जनरल नॉलेज की, वो आप लोग खरीद लो। कैप्सूल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उससे भी मतलब मटीरियल बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहो तो बहुत सारे जो है मतलब डेटा, बहुत सारे बुक्स आपको मिल सकते हैं, मगर आपका पैटर्न जो बहुत सिंपल होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आप इसी तरह दिन में मतलब अगर आप 5-5 हर चीज़ याद करोगे, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, एवरीडे साइंस, तो इस पैटर्न पे अगर आप चलोगे तो इंशाल्लाह आपका जो GK का पेपर है वो काफ़ी हद तक कवर होगा और काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इसमें आपको आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि GK पे आपको कोई 4-5 और इस तरह का लेक्चर दे दूँ, कुछ और एरियाज, फोकस एरियाज जो मैंने इस लेक्चर में कवर नहीं किए हो, मैं उन एरियाज को भी आपके सामने लाऊं। तो इस पैटर्न पे इंशाल्लाह जब आप जाओगे तो उम्मीद है कि आपको जो है पेपर में ज़्यादा मसला पेश नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम जो CSS PCS के एस्पायरेंट्स है उसमें शेयर करो, और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिलती रहे।